हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो ऑप्टिक्स का है और ऑप्टिक्स में भी अभी क्या चल रहा है, तो जो ट्वेल्थ का एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में 2021 में आने वाला क्वेश्चन है वो। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं जिसमें ट्वेल्थ का सिलेबस होता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद नहीं करते हुए, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, 15 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंस, दो लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस और पतला लेंस, कितना कितना 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला, मतलब दो गो लेंस का फोकस दूरी, एक का है 15 सेंटीमीटर और दूसरा का है 30 सेंटीमीटर, F1 F2 आपको दिया गया है, एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है, दोनों को क्या किया गया है, कॉन्टेक्ट में रखा गया है, याद कीजिए, ऐसे करके पिछला डेरिवेशन था आपका, ठीक है। संयोजित तंत्र की शक्ति निकाले, यानी पावर निकालना है इसका, दोनों लेंस को मिला करके जो लेंस बनेगा उसका पावर आपको निकालना है। तो पावर निकालने के क्या करेंगे, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, तो उसी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले फोकस निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, तो जब दो लेंस को जोड़ा था तो फोकस क्या होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2, क्लियर ना। अगर दोनों उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी दोनों धनात्मक होगा, अगर अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक होता है। यहाँ क्लियर दिया है, दोनों उत्तल लेंस है, मतलब फोकस दूरी दोनों के लिए क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, 1/15 + 1/30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो 15 × 30 और 30 = 30, तो कितना हो गया, 3/30, मतलब क्या हो गया, 1/10, तो ये क्या निकला, 1/f = 1/10, क्लियर। एफ बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, 1/f, लेकिन ये क्या होता है, मीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मीटर में बदल देंगे, f बराबर अगर हम मीटर में बात करें तो 1/100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाए, ये क्या निकल गया, 1/10 मीटर निकल ना। अब फोकस दूरी के लिए क्या लिखेंगे, 1/10, अब 10 चला गया ऊपर, ये क्या हो गया, 10 डायोप्टर आपका आंसर हो गया, इसका पावर कितना हो गया, 10 डायोप्टर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 और -2, 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता दिया, मतलब पावर दिया, दो वो पावर, एगो 6 डायोप्टर एगो -2 डायोप्टर, एगो पावर दिया है, P1 दिया है 6 डायोप्टर और P2 दिया है -2 डायोप्टर, यही दिया है। अब देखिए, जो प्लस में है वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस होगा, और ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा, माइनस में कौन सा होता है, अवतल लेंस, ठीक है। अगर पावर की बात करें, अच्छा क्या बोल रहा है, तो रखे सटाकर रखे हुए सेम केस है, तो निकाल की फोकस दूरी निकाले, फोकस निकालना, पहले पावर निकाल दीजिए, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि समतुल्य लेंस की शक्ति, मतलब 2, 3, 4 लेंस अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पी बराबर क्या आया था, P1 + P2, लेकिन यहाँ पर पहला है 6 और दूसरा है -2, ये क्या हो गया, 4 डायोप्टर, तो पी का मान क्या हो गया, 4 डायोप्टर। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P, तो मतलब 1/4, तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा, 0.0, तो 4 यानी कि इतना मीटर, तो फोकस दूरी इसके लिए कितना हो गया, 0.25 मीटर, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या दे लीजिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा जाता है, एक उत्तल लेंस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस, देखिए ये वाला हो गया उत्तल और ये वाला हो गया अवतल, लेंस के साथ संपर्क में रखते हैं, तो बोला जा रहा है इसकी क्षमता निकाले, फाइनली इसका कितना क्षमता होगा वो निकालना है,
तो पहला फोकस दिया हुआ है कितना आपका 10 से 20 सेंटीमीटर, ये हो गया एफ वन। एफ वन कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। दूसरा है एफ टू, ये कितना दिया 10 सेंटीमीटर। और दूसरा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? माइनस। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब क्या बोला रहा है कि क्षमता निकालेंगे। क्षमता के लिए क्या करेंगे? पहले पावर निकालेंगे, ठीक है। पहले क्षमता निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले फोकस निकालेंगे। तो चूंकि 1/f इक्वल टू क्या जानते हैं? 1/f1 प्लस 1/f2 यही जानते हैं हम लोग। देखिए 1/f1, 1/f1 का मतलब 1/20 प्लस 1/f2, f2 का मतलब -10। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20 एकम 20 प्लस माइनस माइनस 10 × 20 यानी कि -2। तो 2 − 1 क्या आ गया? -1/20। ये हो गया ना। अब चूंकि 1/f = -1/20 तो इसीलिए f = क्या आ गया? -20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर जो निकला माइनस में, इसका मतलब जो फाइनल जो मेरा लेंस लगेगा वो कौन सा लेंस लगेगा? वो होगा मेरा अवतल लेंस, ठीक है, क्योंकि माइनस देखा है। अब चाहिए पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f, तो f = क्या? 1/पावर, बात वही हुआ। अब देखिए, अब पावर इक्वल टू आपके पास क्या है? 1/f, f का वैल्यू कितना है? 20, ये हो गया -1/20। लेकिन याद कीजिए हम क्या बोले आपको कि ये वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा फोकस, तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो गया 1 × 100 अब बटे -20, 20 × 5 = 100, तो पावर वैल्यू कितना हो गया? -5 डायोप्टर हो गया आपका। क्या पावर हो गया? लेंस की शक्ति। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो बोला जा रहा है आपका देखिए कि एक समद्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई लेंस है और समद्वि उत्तल मतलब दोनों तल क्या है? उत्तल तल है आपका, ठीक है। तो ये कोई लेंस है, ठीक है, जिसका वक्रता त्रिज्या कितना बोल दिया? 20 है। आर का मान कितना है? 20 दिया हुआ है। तो कोई भी लेंस होगा, दो होगा आर होगा, एक होगा आर वन, दूसरा होगा आर टू। अगर मान लीजिए ये पहला वाला तल है, ये पहला सरफेस है, इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा, तो आर वन आपका क्या होगा? 20 सेंटीमीटर तो होगा, लेकिन क्या होगा? प्लस में होगा। अगर आर टू की बात करें तो आर टू किधर होगा? दूसरा सरफेस ये है ना, इसका आर टू इधर होगा रेडियस, तो आर टू क्या होगा? माइनस में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है, क्लियर। आर वन आर टू दिया, हालांकि एक ही दिया है, लेकिन समद्वि उत्तल मतलब समान उत्तल सरफेस वाला है। ऐसा नहीं कि इसका लंबाई यानी ये बड़ा गोला का, ये छोटा, दोनों समान गोले से बनाया हुआ, इसलिए दोनों रेडियस सेम होगा। जितना आर वन होगा वही आर टू होगा, लेकिन एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। तो पहला वाला का इधर होता है ये प्लस, दूसरा वाला इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है? तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। अब क्या बोला? फोकस दूरी निकाले, यानी एफ आपको निकालना है। जब क्या दिया? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। तो याद कीजिए फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला क्या था? 1/g − u = 1/f = μ2/μ1 − 1 × 1/r1 − 1/r2, इतना फॉर्मूला था। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है ना, और यहाँ पर क्या है आपका? एक तो म्यू वन, एक ही तो म्यू दिया हुआ है, एक तो म्यू दिया हुआ है, और बाकी आपको क्या? फोकस निकालना है। तो फॉर्मूला आप यहाँ से यूज कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा 1/f। अब μ2/μ1 में से एक माध्यम पक्का हवा होगा, अगर ये हवा होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो μ2 को 1 से भगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी हम फॉर्मूला आपको बताएगा, यहाँ पर μ−1 लिखा है पीछे में, और यहाँ क्या है? 1/r1 − 1/r2। अब सॉल्व कीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 1/f = कितना होगा? देखिए μ−1, म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5 − 1। अब 1/r1 मतलब कितना? 1/20, और −1 कितना? 20, लेकिन दूसरा वाला 20 क्या होगा? माइनस में होगा, होगा ना, दूसरा वाला 20 क्या होगा आपका? माइनस में होगा। तो देखिए 1.5 − 1 क्या हो गया? 0.5 हो गया ना। अब देखिए ये हो गया 1/20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/20, देखिए माइनस माइनस प्लस, क्लियर। अब कितना हो जाएगा? 0.5, एलसीएम हो जाएगा 20, 1 + 1, तो 0.5 ×
दो बटे बीस यही होगा ना, ये पॉइंट उड़ा दीजिए कितना हो जाएगा दस, पांच से कितना में कटेगा दो बार कितना हो गया पांच दूनी दस, ये दो दो कैंसिल, ये कितना निकल गया एक बटे बीस, और एक बटे बीस कितना निकल रहा वन बाय एफ है ना, चूंकि वन बाय एफ बराबर एक बटे बीस तो इसीलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा बीस सेंटीमीटर। क्लियर, क्या हो जाएगा बीस सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता क्या पूछा है फोकस दूरी सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछा जाए क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स पाने के लिए और जो थ्योरी है उसे पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।